अब खबरें विस्तार से। करियर के पार्सल से चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को सोनारी पुलिस ने धर दबोचा है। डीएसपी अमर कुमार पांडे ने बताया कि पकड़े गए दोनों युवक गोविंद डे और मंगल डे पहले कुरियर कंपनी में काम करते थे और पार्सल से सामान चुराने का काम करते थे। गिरोह के तीन अन्य सदस्य फरार हैं। पकड़े गए युवकों के पास से दो मोबाइल व अन्य सामान बरामद हुए हैं। काफी मोबाइल, 6 की संख्या में मोबाइल फोन्स हैं और कुछ कपड़े हैं जो कि डिलीवरी कुरियर के माध्यम से होते थे, जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग होता है। ऑनलाइन शॉपिंग से लोग सामान खरीदते थे, कुरियर के माध्यम से जो सामान आता था तो इन लोग जो डिलीवरी हाउस था वहाँ से उसको ट्रेस करते थे, और जो डोर स्टेप डिलीवरी होती है तो जैसे कोई डिलीवरी का बंदा सामान लाता था और डिलीवरी के लिए जाता था किसी कॉम्प्लेक्स में, अपार्टमेंट में, तो वहाँ से इन लोग ये सामान गायब कर देते थे। ऐसे कई कांड एक हमारे थाना सोनारी में भी दर्ज हुए हैं, बिष्टुपुर में भी दर्ज हुए हैं। और सोनारी में कांड संख्या 93-15 और बिष्टुपुर का 143-15 और 146-15। इन तीनों कांडों का जो चोरी गया जो सामान है वो आज बरामद हुआ है। इसमें दो लड़के पकड़े गए हैं, एक गोविंदा है जो कि गोलमुरी 10 नंबर बस्ती गुरुद्वारा रोड गोलमुरी का है, थाना सिद्धगोड़ा, और एक अशोक सागर उर्फ मिर्ची जो कि नेहरू कॉलोनी सावलपुरिया बस्ती सोनारी का है। तो इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और इनका एक सुनियोजित और एक बड़ा गिरोह है जिसमें अभी कई लोग फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी इनके द्वारा भी इस बात की स्वीकारोक्ति की गई है कि एक इनका सुनियोजित प्लान होता था और इसकी देखिए ये जो डिलीवरी हाउस होता है कुरियर का वहाँ से प्रारंभ करते हैं। ये जो मोबाइल सारे सब फोन कैसा मोबाइल है? ये सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, टच स्क्रीन वाले मोबाइल हैं और महंगे मोबाइल हैं। साक्षी ऑटो स्टैंड के पुराने चालकों ने नए ऑटो का विरोध किया और कहा कि स्थान की कमी है। साक्षी ऑटो स्टैंड में ऑटो की दिनों दिन बढ़ती संख्या को लेकर स्थान की किल्लत होती जा रही है। पुराने ऑटो चालकों ने रविवार को नई गाड़ियों पर आपत्ति जताते हुए जमकर नारेबाजी की। उनका नेतृत्व इम्तियाज कर रहे थे। जब हम लोग को स्टैंड मिला था उस टाइम पेट्रोल टेम्पू चलता था और उसी के हिसाब से हम लोग को स्टैंड मिला गया था और उसमें सोनारी का भी टेम्पू स्टैंड है। और अभी जो है बड़ी बड़ी गाड़ी सब आ गई है, बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई है तो हम लोग को खुद भी गाड़ी लगाने को तकलीफ हो रहा है। और उसमें से नो एंट्री नो पार्किंग में जो गाड़ी चलता है वो गाड़ी वाला लोग बोलता है कि हमको जगह चाहिए, तो हम जगह कहाँ से देंगे? जगह तो उसको प्रशासन जिला प्रशासन ही मांगना होगा। अभी क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारा यही है कि हमारे पास जगह नहीं है, हम कोई गाड़ी को एंट्री होने नहीं देंगे बाहर। ऐसे कितनी गाड़ियां हैं जो बाहर की गाड़ियां एंट्री जो करना चाहते हैं? 1/3। अगर 22,000 टेम्पो जमशेदपुर में चल रहा है रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तो मात्र 2,000 टेम्पो को स्टैंड में लगाने का पूरा जमशेदपुर में जगह है। सक्षम लोगों से गिवअप के तहत सब्सिडी छोड़ने की अपील करते हुए इंडियन ऑयल द्वारा रविवार को एक जागरूकता रैली निकाली गई। आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से गिवअप के तहत रसोई गैस सिलेंडर में सब्सिडी छोड़ने की मांग इंडियन ऑयल ने की है। रविवार को बिष्टुपुर पोस्टल पार्क से एक जागरूकता रैली निकाली गई जो वोल्टास बिल्डिंग तक गई। उनका नेतृत्व इंडियन ऑयल के रीजनल हेड राकेश कुमार कर रहे थे। ये रैली नहीं है, ये एक जागरूकता अभियान है जो भारत सरकार की एक स्कीम चल रही है गिव इट अप मूवमेंट, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं पब्लिक को जागरूक बनाने के लिए। हम लोग का नारा भी है लेट अस गिव अप एलपीजी सब्सिडी, द फ्लेम इन ए पुअर टू फ्लेम द इन ए पुअर मैन्स किचन, यानी कि हम जो आप अमाउंट छोड़ेंगे सब्सिडी वाला, जो सक्षम लोग हैं वो अगर अमाउंट छोड़ते हैं तो वो किसी ज़रूरतमंद
व्यक्ति के घर में चूल्हा जलाने के लिए यूज होगा। इसके लिए एक जागरूकता, पब्लिक को जागरूक करने के लिए हम लोग एक छोटा सा ये करने जा रहे हैं। समाज की जो सक्षम व्यक्ति हैं, जो रिचेस्ट हैं, वो सब्सिडी से छोड़े, उनसे उनसे आग्रह है हमारा, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो छोड़ें, ताकि वो पैसा गरीब जनता के, जरूरतमंद जनता के उपयोग में आए। शहर में 7 जुलाई से मिनी बसों का परिचालन ठप हो जाएगा। शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन ने उक्त निर्णय लिया है। शहर में कुल 130 मिनी बसों का परिचालन विभिन्न मार्गों में होता है। पिछले दिनों स्टेशन के पास पार्किंग नहीं होने के कारण प्रशासन द्वारा फाइन वसूले जाने से खफा मिनी बस के संचालकों ने उक्त निर्णय लिया है। बसों का परिचालन ठप होने से मजदूर वर्ग, छात्र छात्राओं एवं ठेका श्रमिकों की बड़ी तादाद जो बसों पर सफर करते हैं प्रभावित होगा। जो है मंगलवार को मिनी बस का परिचालन पूर्ण रूप से बंद रखेंगे और सांकेतिक हड़ताल पर भी जाएंगे। किस मांग को लेकर? जिसकी सूचना हम लोग सभी संबंधित पदाधिकारियों को, जिले में सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को दे देंगे। मामला है कि 1975 से शहर में मिनी बसों का परिचालन हो रहा है और हमारी गाड़ियां साक्षी से विभिन्न मार्गों पर चलती है। एक स्टैंड हमारा साक्षी है, दूसरा हमारा जहाँ तक गाड़ी जाती है वो स्टैंड है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 1975 से लेके 2015 तक कहीं पर भी एंड पॉइंट में हम लोग को स्टैंड नहीं दिया गया। नतीजा है कि आज अभी वर्तमान समय में स्टेशन में हमारी गाड़ियाँ जब जाती हैं तो वहाँ पर नो पार्किंग को लेकर फाइन किया जाता है, जबकि स्टेशन से 5 मार्गों पर गाड़ी चलती है। साक्षी से स्टेशन, साक्षी से कागल नगर, साक्षी से स्टेशन, साक्षी से सुंदर नगर, साक्षी से सरजमदा, साक्षी से बागबेड़ा और कागल नगर से सुना स्टेशन से कागल नगर पर कुछ 5 रूट है, जहाँ 5 रूट की गाड़ियाँ स्टेशन में खड़ी होती हैं। प्रशासन का कहना है नहीं, वहाँ पर एक ही गाड़ी खड़ी होगी। अब उस रोड पर कुल अभी जो है वो 43 गाड़ी चल रही है। प्रशासन कहता है कि वहाँ एक गाड़ी खड़ी होगी 2 मिनट के लिए, बाकी गाड़ी क्या करें हम अपने घर पर रख लें। जब कार का एक विभाग जो परिवहन को देखता है, वह विभाग हम लोगों को परमिट दिया है और परमिट में स्टेशन पर हम लोग को 5 से 10 मिनट तक का ठहराव का समय है। तो यातायात विभाग जो है उस परमिट का, उस आदेश का भी अवहेलना करके हम लोग को कहता है कि आप यहाँ 2 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकते हो, उसके लिए फाइन करता है। इसके विरोध में हम लोगों ने कई बार यातायात के वरिष्ठ अधिकारियों से, SP से, सभी से मुलाकात की, अपनी बात को रखा, लेकिन कहीं तक कुछ हम लोग को फायदा नहीं हुआ। कितनी गाड़ी बंद रहेगी उस दिन टोटल? उस दिन शहर में चलने वाली तमाम मिनी बसें बंद रहेगी, लगभग 120 मिनी बसें। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने केंद्र की नीतियों पर जमकर बरसे और इसे दिग्भ्रमित करने वाला बताया। UPSC में टॉपर होने वाली शहर के युवाओं की उन्होंने जमकर तारीफ की। वे तिलक पुस्तकालय में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। आज UPSC का रिजल्ट देख लेते तो जमशेदपुर के हम देख रहे थे कि 3 लोग हैं, उसमें एक नेहा है जो तिलक सिंह जी की बेटी है, 22वां रैंक है बांगो की। दूसरा नेहा कुमारी, उसके नाम भी नेहा है, सुनील दुबे जी की बेटी है, 26वीं रैंक है, छोटा गोविंदपुर का। और तीसरा अनुराग कुमार सिंह, राधेश्याम सिंह, DSP रिटायर्ड DSP साहब के बेटा है, राधिका नगर टेल्को से, रांच रैंक 550 के आसपास, 551। तो पहले तो जमशेदपुर के लिए बहुत गर्व की बात है और हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे और छात्र इस शहर से जो है UPSC के परीक्षा में सफल हों। जो भी जमशेदपुर से बाहर जाते हैं अच्छा ही करते हैं, नाम रोशन करते हैं, तो इसीलिए माँ बाप को भी हम लोग की जो है शुभकामनाएं, बच्चों को भी शुभकामनाएं। तो आनंद बिहारी जी और विजय खान और बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में 15 तारीख से KDL हॉस्पिटल गेट पर हम लोग धरना देंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री जी के अनेक वादे जो लगातार मालिकाना लेके, स्थानीय नीति से लेके, हर चीज़ में जो स्टील प्लांट बिठाने से लेके बड़े बड़े वादे कर चुके हैं,
और किसी तरह से जनता को वादे देने में हिचकते नहीं, बड़े आसानी से दे देते हैं, लेकिन उसको जमीन पर लाने में किसी तरह से जमीन पर कोई भी ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं देता। तो आनंद बिहारी जी, विजय खान जी, बन्ना गुप्ता जी और बाकी जो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, वो एडीएल 15 से धरना पर बैठेंगे ताकि जल्द से जल्द, यदि हमारे शहर में एक मेडिकल कॉलेज मणिपाल आ जाए तो कम से कम इलाज के लिए जो जिस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जिस महंगाई टीएमएच से लेकर हर जगह जो है आम जनता के लिए इलाज मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मेडिकल कॉलेज के आने से क्या होगा कि कम से कम हमारे शहर के निवासी के लिए इलाज के लिए आसान हो जाए। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पिछले बार भी हम लोग ने ये बताया कि मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट में आपको जो निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है, तो मणिपाल मेडिकल कॉलेज आने से टाटा मेमोरियल में काफ़ी बड़े प्रतिशत निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी। कुछ पेशेंट तो पे करेंगे लेकिन अधिकांश पेशेंट जो है फ्री में उनका इलाज हो जाएगा।